will teach you when we have to use the. TH, the. Look here. The sun, the moon, the prime minister, the Ganga, the Taj Mahal. अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. We use the when we mean a particular person, place or thing. The is used before a naming words when we have already talking about it. मतलब क्या है, जब हम कोई भी नेमिंग वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पहले एक बार बोल दिया है, दूसरी बार हम बोलते हैं उसके बारे में, तो हम दा यूज़ करते हैं. देखो एक एग्जांपल, हरी गेव अ रोज टू हिज मदर. हरी गेव अ रोज टू हिज मदर. द रोज वॉज रेड. यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स क्या है, रोज. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है रोज, आर ओ ए सी रोज, तो यहाँ पे आया ए. पर सेकेंड टाइम हम जब रोज़ यूज़ कर रहे हैं, आर ओ ए सी रोज, उसके आगे हम क्या लगाया है, हमने क्या लिखा है, टी ए जी, द. चला पता. तो नेमिंग वर्ड्स जब हम दूसरी बार उसके बारे में बोलते हैं, तो उसके पहले हम द यूज़ करते हैं. पहली बार हमने ए यूज़ किया, दूसरी बार जब भी वही नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम दूसरा बोल रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ किया, टी ए जी, द. नाउ सेकेंड, द इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम्स ऑफ सी, रिवर, ओशन. ठीक है, सी, रिवर, ओशन, ये सब के बारे में हम जब कुछ बोलते हैं, उसके पहले भी हम दा यूज़ करते हैं. देखो, दा गंगा, दा इंडियन ओशन, कोई भी नदी का नाम हो, समुंदर का नाम हो, उसके पहले हम दा यूज़. नाउ नेक्स्ट, दा इज यूज बिफोर नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग. कोई भी फेमस बिल्डिंग हो, उसके पहले भी हम दा यूज़ करते हैं. द ताजमहल, द रेड फोर्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ थिंग दैट आर ऑलरेडी वन ऑफ देयर काइंड. मतलब जो पूरा वर्ल्ड में एक ही है. देखो, द सन, द मून, फिर द अर्थ. ठीक है, इस सबसे पहले भी द यूज होता है. सब लोगों को पता चला कि कब हम द यूज करते हैं. नाउ विल डू एन एक्सरसाइज, देन इट विल बी क्लियर. यूज ए एन और द टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हमको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें हमको ए एन और द यूज करना है. आई गॉट डैश अम्ब्रेला. क्या आएगा, यू है फर्स्ट लेटर. क्या है यहाँ पे, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है, तो क्या आएगा, एन. ठीक है, डैश अम्ब्रेला इज बिग. बोलो, ये जो नेमिंग वर्ड है अम्ब्रेला, फर्स्ट बार यूज किया तो हमने एन लिखा, सेकेंड बार हम यूज कर रहे हैं तो हमको क्या लिखना है, बोलो, द. वेरी गुड, टी एच, द अम्ब्रेला इज बिग. वी लिव एन, we live on dash earth, we live on dash earth. क्या आएगा, the, क्योंकि earth एक ही है. ठीक है, यहाँ पे हमने इसे बोला ना कि moon, earth, ये सबसे पहले ता लगता है. Hari gave dash rose to his mother, तो क्या आएगा, a. ठीक है, और दूसरी बार हम rose के पहले क्या लगाएंगे, the rose was red. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नंबर फोर, डैश रैबिट, अ रैबिट फाउंड अ कैरेट, डैश कैरेट वॉज फ्रेश. यहाँ पे क्या आएगा, द. द कैरेट वॉज फ्रेश. वो कैरेट कैसे था, क्योंकि दूसरी बार हम कैरेट के बारे में बोल रहे हैं. पहली बार हमने ये लिखा, दूसरी बार जब हम कैरेट के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द. I have dash pet dog. I have a pet dog. Dash dog play with me. The dog play with me. ठीक है, चलो अभी मैं, I will give you one PDF. You will do exercise at your home. Page number 12, lesson 8. A, an, and the. We'll do exercise. Underline A, an, and the in the following sentences. Okay?
here is some sentences are here. What we'll do? We have to do only underline a and और द में हमको खाली अंडरलाइन ही करना है. ठीक है, चलो लुक हियर ए, ठीक है, देन एन, देन द. ऐसे आपको जो बाकी सेंटेंसेस है सभी सेंटेंस में से ए एंड और द ढूंढ के अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. ए और एन में हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. जो पी, पी इज अ कॉन्सोनेंट, फॉर दैट वी हैव टू राइट हियर ए. नाउ ओ, ओ इज वावल्स और कॉन्सोनेंट, ओ इज वावल, देन व्हाट विल राइट हियर, एन. फॉर दिस वे यू हैव टू डू अदर एक्सरसाइज ऑल्सो. ठीक है, 1, 3, 4, 5 यू विल डू योर सेल्फ. ओके, थैंक यू.